हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय मतलब हॉट टॉपिक मान के चलिए, सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या सर यूपी लोअर पीसीएस का दोबारा से पेपर होगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या दोबारा पेपर हो सकता है ये भैया। तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर ये पेपर ओरिजिनल है, देखिए हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर है और आउट हुआ है, लेकिन मैंने 2 से 3 कैंडिडेट से बात की है जो जिनका पेपर 30 को था, वो बोल रहे हैं कि भैया बिल्कुल सेम यही पेपर आया है जो आप बता रहे हैं, या जो जिसकी फ़ोटो आपने दिखाई है यही पेपर आया है। ये फ़ोटो कोई हमने नहीं देखी है, ये पेपर सब में वायरल है, ये सभी में वायरल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे पास है। आप लोगों में से अगर कोई भी 30 की फर्स्ट शिफ्ट वाला है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यही पेपर आया था। और अब आपसे ये बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए एक दो, जैसे कि ये लिखा हुआ है इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। उसके अलावा भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है, इस रेलवे जोन का नाम क्या होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर टिकटॉक का स्वामित्व। तो मुझे भी लग रहा है कि वैसे जेन्युइन पेपर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ भाई ये ओरिजिनल पेपर है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अब हम बात करते हैं क्या पेपर दोबारा हो सकता है। तो बिल्कुल पेपर दोबारा हो सकता है, अगर पेपर आउट हुआ है तो पेपर दोबारा हो सकता है। उम्मीद है पूरी की पेपर आउट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में टीचर सामने खड़ा हुआ है, ये टीचर दिख रही है यहाँ पे, और बच्चा यहाँ पे पिक ले रहा है। अगर यहाँ पे वो फोटो ले रहा है और उसके सामने टीचर खड़ा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल कोई भी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर है। मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ आ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बना लिए हैं। अगर ये सब हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। आप लोगों को इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। कब तक सहते रहोगे? अगर 12 लाख स्टूडेंट में से अगर मान लीजिए 600 कुल सीटें हैं, उसमें से अगर 400 सीटें इस तरह से चली जाएंगी, तो आप चाहे 250 नंबर लेके आ जाओ, चाहे 300 नंबर लेके आ जाओ, आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर से ज़रूर उठानी ही पड़ेगी। और ना सिर्फ ये आवाज़ उठाई जाए कि पेपर दोबारा कराएँ, ये आवाज़ मत उठाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है। इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, जैसे भी पीछे भी सारी परीक्षाओं में देखा गया है कि बहुत बहुत बड़े जो आयोग के ही बड़े बड़े कर्मचारी या मान लीजिए ऑफिसर्स लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इन लोगों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक बात बताइए, अभी सरकार ने ये दलील दी थी कि हमने इस वजह से चालान वगैरह का या पोल्यूशन वगैरह के चार्जेस बढ़ाएं जिससे लोगों में डर हो। हाँ, हम देने के लिए तैयार हैं, सब लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ भाई हर चीज़ का डर होना चाहिए। तो क्या जो बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, उनके मन में इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि भाई आप लोग बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं? तो इन लोगों के लिए इस तरह का कानून बनवाना चाहिए। आप सब लोगों को आवाज़ उठानी होगी, हम सब लोगों को आवाज़ उठानी होगी कि जो भी इस चीज़ में संलग्न पाया जाता है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कोई बंदा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, इस तरह के काम करने से कांपे। मतलब इस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए जिससे कि कभी कोई ना हो। आप लोग देख सकते हैं, चाहे यूपी पुलिस का पेपर रहा हो, अभी RRB JEE का भी आपने देखा किस तरह से नकल हुई, तो मतलब कोई भी, और चाहे BPSC का मामला हो, मतलब सारे पेपरों में ये सब हो रहा है। और आपने देखा BPSC में भी कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तरीके से साजिश चलती है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और ना सिर्फ पेपर दोबारा हो, बल्कि इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की भी आप लोगों को मांग करनी होगी, तभी दोबारा पेपर कराएं। अदरवाइज़ पेपर दोबारा होगा, फिर नकल होगी, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा यूपी पुलिस में भी सरकार कहती रही नहीं नकल नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद 2018 में आपने देखा कि दोबारा पेपर करवाना पड़ा था उन लोगों को, क्योंकि वो नकल हुई थी रियल में। तो जितना छिपाने की कोशिश की जाती है, कंपनी भी छिपाने की कोशिश करेगी, सब लोग छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में देखना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अगर ये पेपर
ये देखिए रोल नंबर वगैरह की तो हम पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या ये ओरिजिनल रोल नंबर है, लेकिन ये वायरल है इस वजह से आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन पेपर है, अगर ये रियल है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं इन लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सारी बातों के बारे में आप लोग ज़रूर से ज़रूर आगे आयोग से कहें, क्योंकि अभी आयोग ने कैलेंडर जारी किया है, अभी तो ये पहला ही पेपर हुआ है, इसके अलावा अभी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने अभी कैलेंडर जारी किया है, तो बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, उनमें आप ये बताइए किस तरह से तैयारी करेंगे, जब आपको पता है कि पहले से ही पेपर आउट होने वाला है तो आप किस तरह से तैयारी या किस बेस पे तैयारी करोगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो इससे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो ये मुद्दा उठेगा और इसके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी और आप लोगों को सही से पेपर देने का मौका भी मिलेगा और सही लोगों का सिलेक्शन भी हो सकेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इसी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों को मिलती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कि क्या ये रियल पेपर है या नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।